सीता विश्वकर्मा चैनल में आपका स्वागत है। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटा जरूर बजाइए नए नए अपडेट्स के लिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाएंगे आलू के बरूले। आलू हम छोटा छोटा सा लेंगे, इसको बॉईल कर लेंगे और छील लिया है इस तरह। मैदा, हरी धनिया एक कटोरी, पानी थोड़ा सा, काला नमक, नमक, लाल मिर्ची पाउडर, अमचूर पाउडर, हरी मिर्ची अपने स्वाद अनुसार, काली मिर्च 10 से 15, जीरा आधा चम्मच। सबसे पहले हम चटनी बनाएंगे हरी। धनिया हम डालेंगे, हरी मिर्च, काली मिर्च, जीरा, काला नमक आधा चम्मच, सिंपल नमक आधा चम्मच छोटा वाला, अमचूर पाउडर आधा चम्मच, इन सबको हम पीस देंगे। ये हमारी चटनी पीस गई है इस तरह। ये हमारी चटनी तैयार हो गई है। सबसे पहले हम बाउल लेंगे, उसमें हम उबले आलू छील के उसमें डाल देंगे। इसके बाद हम मैदा डालेंगे, जैसे 3-4 चम्मच हमने मैदा डाला, नमक आधा चम्मच, कलर लेंगे थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे, थोड़ा थोड़ा हम पानी डालेंगे इसको और मिलाएंगे, इस पर हम मिला लेंगे, कम पड़े पानी तो और डालेंगे। थोड़ा ऐसे सूखा होना चाहिए इस तरह, ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। ये हमारा मिल गया अच्छी तरह से, तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इन्हें हम पलटाएंगे, पक गए हैं। ये हमारे अच्छे से पक गए हैं, अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं। अब इन्हें हम निकालेंगे प्लेट में। इसे हम निकाल लिए हैं। ये आलू के बरूले तैयार हो गए हैं। थोड़ा सा इसे हम खाते समय इस पर थोड़ा सा ऐसे दबा दें। इसमें हम चटनी डालेंगे हरी। इसमें हमने हरी चटनी डाल दी है। ये हमारे आलू के बरूले बन गए हैं। नाश्ते में बनाइए, झटपट बन जाती है ये रेसिपी। इसे खाइए और हमें ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।